हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए शामी कबाब की बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आए हैं। अगर आपके भी शामी कबाब ठीक से प्रॉपर नहीं बन पाते, जो टेस्ट आपको चाहिए होता है वो नहीं आ पाता है या फिर टूट जाते हैं, तो भाई ये रेसिपी आपके लिए एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कमेंट दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम कीमा लिया है, जिसको अच्छे से धुल लिया है, बारीक पिसा हुआ ये कीमा है। और उसके बाद यहाँ पर हमें लेनी है चने की दाल। तो 500 ग्राम कीमा और एक छोटा कप हमने यहाँ चने की दाल ली है, जिसको हमने पहले से भिगो कर रखा हुआ था। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब हमने यहाँ पर मसाला पाउडर में लिया है 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा, 2 लाल साबुत मिर्च ली हैं और 1 छोटा चम्मच गर्म मसाला पाउडर लिया है। 1 टीस्पून हमने यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है, आप चाहे तो साबुत लहसुन और अदरक डाल सकते हैं, या हमने जो गर्म मसाला पाउडर लिया उसकी जगह आप साबुत खड़े मसाले भी इसमें डाल सकते हैं। अब फटाफट से सबको हमें मिला लेना है और बस उसके बाद करना ये है, अगर आप इसको कढ़ाई में बना रहे हैं तो दाल को पहले भी भिगोना पड़ेगा और बारीक पिसा हुआ कीमा लेना है इसके लिए। और अगर आप कुकर में बना रहे हो तो 3 व्हीसल लगानी है आपको मीडियम फ्लेम पर, 3 से 4, और कढ़ाई में जो है 30 से 35 मिनट मीडियम फ्लेम पर रखना है, जब तक कि पानी पूरी तरह से खुश्क नहीं हो जाता। हमने यहाँ पर 2 कप भर के पानी डाला, मीडियम फ्लेम पर इसको रखा 30 मिनट के लिए और बीच बीच में चेक कर लिया था। उसके बाद इसको हमें ठंडा कर लेना है, लेकिन पानी पूरी तरह से कीमे में जो भी है वो खुश्क हो जाना चाहिए। ठंडा करने के बाद इसको हमें पीस लेना है। पीसने के बाद अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे हरी मिर्च काट लिएगा, जितना तीखा आपको पसंद है उस हिसाब से आप मिर्च ले लीजिएगा। हमने यहाँ पे 5 हरी मिर्च ली है, जिसको एकदम बारीक काट लिया है। 1 मीडियम साइज की प्याज ली है, इसको भी हमने बारीक काट लिया है, और साथ में 1 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालना है। सबको अच्छे से मिला लेना है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लिएगा। बहुत ही मज़ेदार आपके ये कबाब बनकर तैयार होंगे। बस सबको अच्छे से मिलाने के बाद आप यहाँ एक पैन में थोड़ा सा ऑयल गर्म कीजिए और यहाँ पे कबाब का शेप देना है। और बस एक एक करके आप जितने भी बनाना चाहते हो उतने पैन में या आ रहे हैं जितने आप उतने डाल दीजिए, और दोनों साइड से अच्छे से सेक लीजिएगा। बाकी आप चाहें तो बिना रोटी के भी आप इसको रूखा खा सकते हो, बहुत मज़े के लगते हैं, या फिर आप इसको रोटी के साथ खाइए। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।